सुस्वागतम आप सभी का करता हूं मैं करदम रावल एक ऐसे YouTube चैनल के अंदर जहां पर आपको मिलेगा पूरा का पूरा UPSC और बैंकिंग एग्जाम्स का ज्ञान और करंट अफेयर का नॉलेज UPSC IAS एग्जाम्स YouTube चैनल। और आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ऐसे जो नाम जो बैंकों को लगा के चले जाते हैं चूने, या फिर कहे कि भाई जो लोन लेते हैं और बाद में जो है फ्लाई कर जाते हैं इंडिया से बाहर। तो इनके लिए हमने एक ऑर्डिनेंस तो रिसेंटली पास किया था भाई, इकोनॉमिक फुजिटिव ऑर्डिनेंस। तो यहाँ पर इसके अलावा क्या क्या मेजर्स है और यहाँ पर किसको क्या काम दिया गया है, ऐसी चीजों को दूसरी बार रिपीट ना हो सके उसके लिए। अब यहाँ पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC, अब ये फिर से चर्चा के अंदर आ गया है। CVC इसके पहले भी CVC चर्चा के अंदर था, जहाँ पर CBI के दो टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स जो थे यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर आए थे और ये जो मसला था वो CVC संभाल रहा था। अब CVC जो है उसके पास यहाँ पर एक नई काम आ गया है कि भाई बैंकिंग जो सेगमेंट है वहां पर जो फ्रॉड्स होते हैं उसके रिगार्डिंग आप जो है वो कुछ रिसर्च वगैरह कैरी आउट करें। अब इस काम को इन्होंने अंजाम दिया और इन्होंने जो है 100 टॉप बैंकिंग फ्रॉड्स की जो है लिस्ट बनाई है, यानी कि टॉप 100 वो फ्रॉड्स नहीं जो सबसे बड़ी अमाउंट के हो, टॉप 100 तरीके जिससे कि बैंकिंग सेगमेंट में फ्रॉड हो सकते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एनालिसिस करके प्रस्तुत किया है कि किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर के अंदर फ्रॉड्स होते हैं। अब यहाँ पर जो है इन्होंने जब अपनी स्टडीज रिवील की तो इन्होंने बताया कि ये जो 100 बैंकिंग फ्रॉड्स तरीके हैं उसके अंदर सेक्टर्स देखे तो यहाँ पर 13 सेक्टर्स ऐसे हैं जिस माध्यम से यहाँ पर फ्रॉड हो सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर पहला ये है कि डिस्काउंटिंग ऑफ चेक। अब जो चेक होते हैं अमूमन हम वही चेक देखते हैं जो पास्ट डेट के लिखे होते हैं। यहाँ पर बैंक्स के अंदर और बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर ऐसे चेक्स भी आते हैं जो फ्यूचर डेट्स के होते हैं, यानी कि आप समझिए कि अभी नवंबर महीना चल रहा है तो नवंबर महीने के बाद अगर आपके पास कोई डेट डाला हुआ चेक है तो जनवरी 2019 का चेक है। तो कंपनी क्या करती है, बैंक के पास जाती है और कहती है कि मेरे पास 10 लाख रुपए, 10 करोड़ रुपए XYZ अमाउंट का ये चेक है, आप मुझे इसको एडवांस में एनकैश करके दो, मुझे पैसे की जरूरत है। अब पैसे यहाँ पर ले लेते हैं डिस्काउंटेड के ऊपर, तो बैंक इनको 10% डिस्काउंट के ऊपर पैसे देते हैं, यानी कि 10 लाख मांगे हैं तो 10% बैंक रख लेगी, यानी कि 9 लाख रुपए यहाँ पर देगी। इस तरीके से ट्रांजैक्शन होता है। और जब ड्यू डेट के ऊपर बैंक जो है वो चेक एनकैश करने की कोशिश करती है तो उनको कोई पैसे ही नहीं मिलते, चेक जो था बाउंस हो जाता है। दूसरा है कि भाई कंपनी जो है वो हाई इनकम दिखाती है, हाई प्रॉफिट दिखाती है, हाई प्रॉफिट दिखाएगी, हाई इनकम दिखाएगी, हाई टैक्स पे किए है तो यहाँ पर इनको जो है अच्छी मात्रा के अंदर लोन मिलने की संभावना है, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी, सिबिल स्कोर, क्रिसिल का स्कोर और इनकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है, डेप्ट इक्विटी रेशियो है, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि टैक्सेस ज्यादा पे किए है। टैक्सेस कब ज्यादा पे किए, जब प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है तो यहाँ पर जो है लोन मिलने की संभावना है। और बैंकों को भी लगेगा कि भाई ये इतना प्रॉफिट कर रहे हैं, इतना टैक्स भर रहे हैं, तो यहाँ पर पूरी प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर से लोन जरूर से वापस आएगा, तो इनको लोन मिल जाता है। बाद में पता चलता है कि इनके जो फाइलिंग्स किए हुए अकाउंट्स है वो भी फेक है और यहाँ पर कई चीजों को हाइपरबोला करके यहाँ पर प्रॉफिट्स बताए गए हैं और टैक्सेस भी एडवांस में ज्यादा इसलिए भरे गए हैं क्योंकि लोन्स मिल सके। तीसरा यहाँ पर तरीका है कि भाई अपना एक्सपोर्ट्स दिखाना और ज्यादा एक्सपोर्ट्स दिखाना। बैंक जो है उनको दिखाते हैं कि भाई देखिए हम इतना सारा माल जो है एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी सेल्स शीट देखिए कि हम इतना सेल्स ओवरसीज करते हैं, तो हमें अपना वहां पर बिजनेस एक्सपांड करने के लिए पैसे की आवश्यकता है, तो इंडिया से भी लोन उठाते हैं और उसी बैंक्स की भाई इंटरनेशनल ब्रांचेस जो उन कंट्रीज में होती है वहां से भी पैसे उठाते हैं और दोनों तरफ से चूना लगाते हैं, आगे से और पीछे से, इंडिया से और बाहर से। इसी के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं कि भाई हमें इक्विपमेंट्स परचेस करने हैं, हमें लोन दे और वापस लोन लेने के बाद कोई इक्विपमेंट परचेज ही नहीं करते। और लेटर ऑफ कम्फर्ट एक तरीके से होता है लेटर ऑफ क्रेडिट की ही तरह, और यहाँ पर भी जो है ये लोग लोन लेके वापस पैसे नहीं देते हैं। तो इन सभी स्टेप्स के माध्यम से ये 13 अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जो है वो ऐसे लोन लेके पैसे वापस नहीं करते। मल्टीपल लोन्स ये भी एक जरिया है। मैनिपुलेशन जो स्टाफ के अंदर होते हैं, हाई प्रोफाइल जो बैंकिंग सेगमेंट के अंदर मैनेजर्स और स्टेट मैनेजर्स की पोस्ट के ऊपर होते हैं उनको मैनिपुलेट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स के फ्रॉड खेलते हैं। और इसी के अलावा ज्वेलरी बिजनेस के अंदर ये चीज बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है, भाई मेटल को जो है ये फिर से पिघलाते हैं, फिर के डिजाइन करते हैं, फिर से पिघलाते हैं, फिर से डिजाइन करते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि हमारा इतना ज्यादा सेल्स है। तो इन सभी तरीकों
लोगों से जो है बैंकिंग फ्रॉड्स इंडिया के अंदर होते हैं, और ये सारी जो नॉलेज है वो यहाँ पर हमारी ओर लेके आए हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाले। तो यहाँ पर जो है इन चीजों के स्टडीज के ऊपर बैंक्स जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है विथ इन डेप्थ रिसर्च एंड एनालिसिस, ताकि जो है वो अपने आप को भी इन तरीके के लॉसेस से बचा सके, अपने शेयर होल्डर्स जो इनके प्रॉफिट पार्टनर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने बैंक के अंदर इन्वेस्ट किया है, फिक्स डिपॉजिट रखे हैं, उन सभी के पैसे भी यहाँ पर सिक्योर रह सके। इस वीडियो के अंदर इतना ही, और अगर आपको वीडियो कंटेंट और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिएगा, कमेंट के अंदर अपने सुझाव जरूर से दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल से मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।